नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। हमारा आज का विषय रहने वाला है शुक्र पर्व पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काले तिलों का अलग अलग फल, अलग अलग प्रभाव। आयु रेखा के अंदर लगभग अंगूठे के मध्य से अगर हम इस पर्व का जो आयु रेखा घेर कर चलती है, जिसको इसका विभाजन यदि लगभग अंगूठे के मध्य से करें, तो ये रेखा यहां पर खींचने के बाद ये जो पर्व बचता है, इस पर्व को कहते हैं शुक्र पर्व। शुक्र पर्व पर शोधों से पता चला है कि इसके पर्व अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार के फल देते हैं। काला तिल यहां पर है, काला तिल यहां पर है, काला तिल मध्य में है, काला तिल यहां नीचे है और काला तिल यहां पर या इधर उधर किसी भी क्षेत्र में यदि उस काले तिल को देखें तो उसका क्या प्रभाव होगा और उस प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या पूजा करनी चाहिए, यह आज का हमारा विषय है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके आयु रेखा के साथ मंगल पर्व से लेकर शुक्र पर्व तक यदि लगभग अंत से ना जाकर के पहले कहीं पर भी काला तिल होगा, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी स्वास्थ्य का संघर्ष, कभी उन्नति तरक्की का संघर्ष, कभी पारिवारिक समस्याओं का संघर्ष, कुल मिलाकर ये आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालता रहेगा यदि किसी व्यक्ति के आदमी के हाथ में राइट हैंड में है तो। अगर लेफ्ट हैंड में है तो उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में 35 वर्ष तक रहने वाला है। अगर राइट हैंड में है तो फिर वो आपको काफी उम्र में परेशान करने वाला है। कुछ भी समस्या आ जाए उसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी आपके साथ लगी रहे। दूसरा, काला चिन्ह यदि आपको लगभग इसी रेखा के और यहां पर आने के बाद अंत में काला चिन्ह नजर आए, तो क्योंकि ये रेखा, आयु रेखा अधिकतर दो भागों में बटती है, मछली का चिन्ह बनाती है, काइट का चिन्ह बनाती है या किसी भी प्रकार की एक्स वाई जेड रेखाएं बनाती है, परंतु ये जो क्षेत्र है ये मोक्ष का क्षेत्र है, ये बुढ़ापे का क्षेत्र है। आपके जीवन में बुढ़ापा आपका दुखदायी हो जाएगा, आपका रोगों से ज्यादा पीड़ित का सामना होगा, जिसके कारण आप ठीक से पूजा पाठ ना सकेंगे या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार के काले चिन्ह का प्रभाव यहां पर आप ये जान सकते हैं। तीसरा तिल आपको अगर जानकारी के लिए बताता हूं कि यहां जो अंगूठे के नीचे ये जो क्षेत्र होता है ये भाई बहन की रेखाओं के लिए होता है। यहां पर इस प्रकार की रेखा देखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और दोनों ही हाथों में देख ले,
जो दोनों हाथों की काउंटिंग के अनुसार होगा वो रेखाएं भाई बहनों की रेखा होती है। देश का पात के अनुसार आजकल लोगों ने उन सीमाओं को बहुत कम कर दिया है। इनमें यदि कोई दीप पड़ा होता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो वो व्यक्ति के भाई बहन की मृत्यु पहले हो जाती है। बड़ी रेखाएं भाइयों की, छोटी रेखाएं बहनों की, ये बहुत गहरा शोध का विषय है। परंतु ये जो क्षेत्र है कुल मिलाकर के, ये भाई बहनों का क्षेत्र है। मेरा आपको बताने का सिर्फ और मात्र ये उद्देश्य है। यदि यहां पर किसी प्रकार का कोई भी काला तिल आएगा, तो इस काले तिल का प्रभाव आपके जीवन में भाई बहनों को कष्ट, या भाई बहनों से आपको कष्ट, या भाई बहनों के अंदर तालमेल की कमी, या कभी कभी स्वयं अकेला ही दुनिया में रह जाता है और लगातार जो भाई बहन होते हैं वो गुजरते रहते हैं या अच्छे स्वस्थ नहीं रहते। कुल मिलाकर के यहां पर ये काला तिल इस प्रकार से जाना जाएगा, अंगूठे से लेकर यहां तक, यानी इस जगह से लेकर यहां तक आपके जीवन में ये भाई बहनों के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। एक और बहुत बहुत यहां पर यदि आप देखेंगे तो आपको एक तिल यहां मिलेगा। ये काला तिल मध्य में है, शुक्र पर्व के मध्य में आने वाला काला तिल आपके जीवन के अंदर संसाधनों में कमी ला देगा, तरसा देगा आपको अच्छे मकान के लिए, तरसा देगा आपको अच्छे संसाधनों के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, नौकर चाकर के लिए, संसाधनों के लिए, और तो और व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति चरित्र से भी भ्रमित हो सकते हैं, उनके लिए भी ये अपने आप है। मैं जो काले तिल बता रहा हूं, यदि किसी महिला के हाथ के अंदर ये तिल है तो वो अगर नौकरी करती है तब इसको यहां पर देखे, नहीं तो इन काले तिलों के प्रभाव को लेफ्ट हैंड पर देखे और 35 वर्ष के बाद के पक्ष के लिए राइट हैंड पर देखे। इस बात का ध्यान मैंने 2-3 बार दिलाया आपको, तो इस बात का आपको ध्यान दिलाना है। अब यहां पर इस तिल के बाद में बहुत से लोगों के हाथ के अंदर, मैंने बताया कि यहां पर जो यव जैसे चिन्ह बनते हैं ये आपको संतान के चिन्ह बनते हैं। यहां अगर इस रेखा पर किसी भी प्रकार से इसके अंदर या इसके बाहर यदि आपको किसी भी प्रकार के काले तिल का चिन्ह नजर आए तो आपको संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, संतान की उत्पत्ति में देरी का सामना करना पड़ता है। इसमें ध्यान रखें, यदि ये औरत के में है तो, क्योंकि गर्भधारिणी स्त्री होती है, तो उसके लिए इस बात का परिपेक्ष ज्यादा देखे जाएगा। तो एक यहां पर हो गया इस प्रकार से। दूसरा, यदि ये थोड़ा सा मंगल के साथ टच करके चलता है तो लगभग लगभग इसको ही ऐसा ही कह सकते हैं कि यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है। ये चरित्र के प्रति भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। यदि इस प्रकार का काला तिल रहता है तो जीवन के अंत तक संतान संबंधी समस्या, संतान से वैचारिक मतभेद तथा चरित्र पर लगातार नियंत्रण ना रहना, इस प्रकार के संकेतों के लिए ये काला तिल जाना जाता है। यदि कभी कभी आपके यहां काल इस पर भी आ जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को
लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति दिलाएगा यदि मंगल पर्वत पर है तो। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर यदि बृहस्पति पर्व पर है तो भी संतान से झगड़े झंझट या कुल मिलाकर संतान में पुत्र संतान का प्राप्त ना होना, इस तरह के संकेत भी जाने जाते हैं। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि शुक्र पर्वत पर क्या होता। अब बताते हैं उपाय की बात। देखिए शुक्र पर्व जो होता है, अगर इसमें कारकों को देखें तो यहां संतान का कारक निकलता है, यहां पर स्वास्थ्य का कारण बनता है, यहां पर मोक्ष का कारण बनता है, यहां पर संसाधनों का कारण बनता है, और यहां पर भाई बहनों से संबंधित त्रुटियों का सामना करना पड़ता है। मैं ज्यादा कहूंगा कि इसके लिए ऐसे लोगों को देवी कवच दुर्गा सप्तशती में जो होता है उसको पढ़ना चाहिए, माता रानी की ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करने चाहिए, जिससे वैवाहिक परेशानी भी ना आए, साथ ही साथ और समस्याओं से भी छुटकारा मिले। तो कुल मिलाकर देवी की पूजा का इसमें जितना से ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर इन दोषों से मुक्ति की संभावना बढ़ जाएगी। तो अन्य विषयों पर भी मैं आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मैं दे सकूँ। नमस्कार।